गांव के एक छोटे से घर में राजकुमार, उसकी पत्नी सीमा और उनकी प्यारी बेटी पिंकी रहते थे। राजकुमार मेहनत मजदूरी करता था और सीमा घर का काम संभालती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। सुबह का समय था और सीमा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और राजकुमार रोटियां खाते हुए तैयार हो रहा था। ए जी, आज जल्दी लौटना, आज पिंकी की तबीयत सही नहीं है। हाँ सीमा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। राजकुमार ने अपना झोला उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने घर से कदम बाहर रखा, पिंकी ने धीरे से कहा, पापा जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगा, तू फिक्र मत कर। राजकुमार पिंकी को दिलासा देकर काम पर चला गया। फिर जब वो शाम को अपने काम से वापस आ रहा था तो अंधेरा होने लगा था और सड़क पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने राजकुमार को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि राजकुमार तुरंत बेहोश हो गया। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए, अरे सर जल्दी अस्पताल लेकर चलो वरना ये मर जाएगा, अरे जल्दी करो भाई जल्दी करो। हे भगवान, ट्रक ने इसकी क्या हालत कर दी है देखो। लोगों ने राजकुमार को अस्पताल पहुंचाया। एक आदमी ने सीमा को ये खबर दी जिससे वो घबरा गई और तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? आपके पति के दोनों पैर काटने पड़े हैं, हालत नाजुक है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगले दिन राजकुमार को होश आया। मेरे पैर, सीमा, सीमा मेरे पैर, सीमा मेरे पैर। आप घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ। नहीं सीमा, अब सब खत्म हो चुका है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ, पिंकी है, कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप शांत हो जाइए। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैर कट चुके हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बुरा समय आता है तो अच्छा भी आता है, हमारा अच्छा समय जरूर आएगा। लेकिन मैं तो बेकार हो गया हूँ ना, मेरा भला क्या अच्छा समय आएगा। सीमा बहुत देर तक राजकुमार को समझाती रही। राजकुमार पूरी तरह से हार मान चुका था और सारी उम्मीदें खो बैठा था। लेकिन फिर सीमा उसे पिंकी का वास्ता देकर समझाती है तो वो कुछ शांत हो जाता है। फिर सीमा जैसे तैसे उसे घर वापस लेकर आती है। मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम लोगों का सहारा नहीं बन पाऊंगा, उल्टा बोझ बनकर रहूंगा। क्या मैं जब छोटी थी तो आप पर बोझ थी? नहीं बेटा, तू कैसी बात कर रही है? क्या मैं जब बीमार पड़ती हूँ तो आप पर बोझ होती हूँ? नहीं बेटा, तू किसी भी हाल में मुझ पर बोझ नहीं हो सकती, तू मेरी प्यारी बेटी है। तो फिर आप हम पर बोझ कैसे हो सकते हो? आप भी तो मेरे पापा हो ना, और माँ के पति। देखा, हमारी बच्ची कितनी समझदार हो गई है, अब फालतू में इतनी फिक्र कर रहे हो। राजकुमार और तेज रोने लगता है और पिंकी को गले लगा लेता है। वहीं सीमा ने राजकुमार के इलाज में सारे पैसे लगा दिए थे तो अब उनके पास कुछ बाकी नहीं था, यहाँ तक कि खाने को भी कुछ ना था। वो बाहर निकलती है और लोगों से खाने को मांगती है। बहन जी, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ो।
मेरे पास तो आना भी मत, आगे बढ़ो आगे। लोगों ने उसे ऐसे दुत्कार दिया जैसे वो कोई फैलने वाली बीमारी के लिए उनकी तरफ बढ़ रही हो। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं? अपने पति और बच्ची को क्या खिलाऊं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। तभी उसकी नजर अपने हाथ की अंगूठी पर जाती है। गहनों के नाम पर आखिरी यही अंगूठी बची है, इसको भी बेच ही देती हूँ। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो सोने का क्या करूंगी? सीमा अपनी सोने की अंगूठी बेच देती है और उन लोगों के लिए राजमा चावल लेकर आती है। राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उतने स्वादिष्ट नहीं जितने आप बनाती हो। आपके हाथ की बात ही अलग है। सीमा, पिंकी कुछ कह रही है। माफ करना, मैं किसी सोच में डूबी हुई थी। सोच रही थी कि पैसे कमाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए। आप राजमा चावल ही क्यों नहीं बेचना शुरू करती? इससे तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो आप। सीमा को पिंकी का आइडिया अच्छा लगा। अंगूठी बेचकर आए पैसों से ही वो एक ठेला खरीदती है और राजमा चावल बेचना शुरू कर देती है। लेकिन पहले दिन उसके राजमा चावल कोई नहीं खरीदता। आज एक प्लेट भी राजमा चावल नहीं बिका। लगता है मैंने गलती कर दी राजमा चावल बेचने का फैसला करके। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आप चिंता मत करो, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। क्या आइडिया बेटा? आप शुरुआत में राजमा चावल सिर्फ 10 रुपए की प्लेट में बेचो, इससे लोग आकर्षित होकर जरूर खरीदेंगे। लेकिन 10 रुपए में क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि लोगों को जब आपके राजमा चावल का स्वाद मिलेगा तो वो उसके दीवाने हो जाएंगे, फिर वो बार बार आएंगे। शुरुआत में ग्राहक बनाना ज्यादा जरूरी होता है। मेरी बच्ची कितनी समझदार है। सही कहा तूने, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो चलो बेटा, कल से हम 10 रुपए की प्लेट में राजमा चावल बेचेंगे। हाँ माँ, भगवान ने चाहा तो देखना, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सीमा 10 रुपए के राजमा चावल बेचने लगती है। लोग आकर्षित होकर उसके ठेले पर आते हैं और खरीदने लगते हैं। वाह, ये राजमा चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। थोड़ा सा और राजमा डाल दो प्लीज इसमें। हाँ बिल्कुल, और कीमत भी बहुत कम है। अब तक हम इतना महंगा और बेकार राजमा चावल खाकर पागल बन रहे थे, बताओ है? हाँ, ये इतना स्वादिष्ट है कि इसके तो मैं 100 रुपए भी दे सकता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। धीरे धीरे सीमा का ठेला मशहूर हो जाता है और उसके राजमा चावल बिकने लगते हैं। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और सीमा को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इस बीच सीमा ने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि गरीबों के लिए ये प्लेट 10 रुपए की है, अमीर अपनी मर्जी से दे सकते हैं और जिनके पास कुछ नहीं है वो फ्री में खा सकते हैं। माँ, आपने ये बहुत अच्छा किया, इससे हमारा भी फायदा होगा और गरीबों का भी। बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कभी कोई भूखा ना सोए। कुछ समय बाद शहर के लोग गांव घूमने आते हैं, वो भी सीमा के ठेले पर रुकते हैं और उसके राजमा चावल की तारीफ करने लगते हैं। वाह, अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। ये राजमा चावल तो सच में लाजवाब है। हाँ, और यहाँ के देसी स्वाद का तो जवाब ही नहीं है, है ना? तभी एक शहरी लड़की ठेले पर आती है और राजमा चावल खाकर कहती है, आंटी, आपके राजमा चावल तो बहुत टेस्टी हैं। मैं अपने पापा को भी यहाँ लेकर आऊंगी। धन्यवाद बेटी, तुम्हारा स्वागत है। तुम अपने पापा को भी लेकर आना। हाँ, उन्हें राजमा चावल ना बहुत पसंद है।
और आपके हाथ के राजमा चावल खाकर तो वो दीवाने ही हो जाएंगे। हाँ। लड़की की बातें सुनकर सीमा का मन उत्साह से भर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और वो सही राह पर है। उसकी छोटी सी दुकान अब लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है। ये सीमा तो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, मुझे कुछ करना होगा इसका। क्या तले मालिक? अफवाह फैलाओ कि सीमा खाने में मिलावट करती है। राजीव अफवाह फैलाने की कोशिश करता है लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता। मैंने सीमा के राजमा चावल खाए हैं, वो बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट है। लोगों का विश्वास बरकरार रहता है और सीमा की दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है। इससे राजीव को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीमा की दुकान बंद कराने के नए नए पैंतरे सोचने लगता है। तो क्या होता मालिक? मैंने एक नकली फूड ऑफिसर बुलाया है, वही जो खाने में मिलावट की जांच परख करते हैं। वो आकर जब ये बात कहेगा तो सब लोग मान लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस, मैं फूड ऑफिसर हूँ और मैं आपके राजमा चावल की सेफ्टी चेकिंग करने आया हूँ। मुझे आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आप बासी सामान इस्तेमाल करती हैं और मिलावट भी करती हैं। ये सरासर झूठ है, आप खुद चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा। वो तो राजीव का बुलाया हुआ झूठा फूड ऑफिसर था, तो वो राजमा चावल में कमी निकाल ही देता है। सब सीमा को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वही लड़की अपने पिता के साथ वहाँ आती है। उसके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं। पापा, यही है वो जिनके राजमा चावल की मैंने आपसे तारीफ की थी। अच्छा, चलो चलते हैं। डीएम सीमा के ठेले पर पहुँचते हैं और उन्हें पूरा मुद्दा पता चलता है। तब वो कहते हैं, आप फूड ऑफिसर हैं, अपनी आईडी दिखाइए। मेरे पास अभी आईडी नहीं है। आईडी नहीं है मतलब तुम नकली फूड ऑफिसर बनकर आए हो, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, राजीव ने मुझे यहाँ भेजा था, वही चाहता था कि सीमा की दुकान बंद हो जाए। राजीव का नाम सुनकर डीएम और भी सख्त हो जाते हैं। वो पुलिस कर्मियों को आदेश देते हैं, राजीव को भी तुरंत गिरफ्तार करो और इसकी पूरी जांच करो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो साहब। तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे और अब माफी मांग रहे हो। राजीव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीमा की सच्चाई जानकर लोग उसकी तारीफ करते हैं और माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सीमा, हम गलत फहमी में आ गए थे। हाँ, हम जानते थे कि तुमने कभी मिलावट नहीं की होगी। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसे विश्वास था कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फिर वो डीएम और उनकी बेटी को राजमा चावल खिलाती है। तुम सही कह रही थी बेटी, ऐसे राजमा चावल तो आज तक मैंने कभी नहीं खाए और वो पगला नकली फूड ऑफिसर कह रहा था कि इसमें मिलावट है। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ पापा। आपको नहीं लगता कि ऐसे राजमा चावल हमारे शहर में बिकने चाहिए? हाँ बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात तो इनकी ये है कि ये गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में राजमा चावल खिलाती है। और जिनके पास कोई पैसा नहीं उनको फ्री में। क्या आप हमारे साथ शहर शिफ्ट होना चाहेंगी? सीमा डीएम का ये ऑफर सुनके बहुत खुश होती है और उसे स्वीकार कर लेती है। उसके बाद सीमा, राजकुमार और पिंकी शहर शिफ्ट हो जाते हैं। सीमा वहीं अपना काम करती है और राजकुमार नकली पैरों की मदद से फिर से चलने लायक हो जाता है।